दोस्तों एक और रेस्टोरेंट का रिव्यू लेकर हम हाजिर हैं कापूचिन रेस्टोरेंट जो सिंधु भवन रोड पे आया है। दोस्तों ये अपने पिज़्ज़ा के लिए बहुत फेमस है, अलग अलग वेराइटीज़ के पिज़्ज़ा मिलते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने तो पिज़्ज़ा नहीं टेस्ट किया, हमने कुछ और टेस्ट किया। फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ की पिज़्ज़ा स्पेशलिटी है, यहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ का फूड है, अलग अलग किस्म का। दोस्तों आप जो पंजाबी वगैरह खाते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अलग अलग किस्म के यहाँ पे जैसे वोल्कानो पिज़्ज़ा करके मिलता है। तो दो लोग अगर दोस्तों यहाँ पर आप आते हो तो 500 रुपये के अंदर अंदर आप खा लेंगे भरपेट दोस्तों। तो मैं असगर एवीएम एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ के पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, आप बॉय से पूछेंगे कि कौन सा पिज़्ज़ा फेमस है तो वो आपको बताएगा। हमने सैंडविच पूछी थी और सैंडविच मंगाई थी, सैंडविच काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसके बाद ये कुछ पानीनी सैंडविच मंगाई जिसमें नहीं इतना मज़ा आया दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप आइए, बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस है, बहुत अलग अलग किस्म का फूड आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही जैसे सिजलर मिलता है वैसे ही सिजलर पिज़्ज़ा भी मिलेगा, यहाँ पे नाचोस वगैरह जो मैक्सिकन डिश है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे पिज़्ज़ा खाइएगा जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और इतना महंगा भी नहीं है, 450 रुपये के आसपास का पिज़्ज़ा दोस्तों आपको मिल जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, और आराम से दो लोग पेट भर के खा लेंगे, इवन एक आध पीस बचेगा, इतना बड़ा पिज़्ज़ा 450 रुपये में मिलता है। तो सिंधु भवन रोड पे है दोस्तों, यहाँ आप जा सकते हैं। और दोस्तों बता दें हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हम आपको घूमते हैं घुमाते रहते हैं और ऐसे ही रेस्टोरेंट के रिव्यू लेके आते रहते हैं। आई बटन क्लिक करके आप दूसरे रेस्टोरेंट के रिव्यू भी देख सकते हैं, जैसे नॉनवेज रेस्टोरेंट सिगड़ी, फिर पंचायत गैराज है, बापनो बगीचो है, ऐसे अलग अलग रेस्टोरेंट को हमने रिव्यू किया है। और दोस्तों बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट बाहर की ओर भी है अगर आपको बैठना है, और अंदर अगर आराम से सोफे पे बैठना है तो बैठ सकते हैं, और अंदर पे ही कैफ़े वगैरह लगाया हुआ है। पार्किंग भी दोस्तों फैसिलिटी अवेलेबल है, तो डोंट वरी कि पार्किंग का क्या होगा, कार वगैरह आप रख सकते हैं। और सिंधु भवन तो जैसे दोस्तों रात को लगता है कि लास वेगास में दोस्तों आप आ गए। तो अपनी अगर गर्लफ्रेंड है या अपनी बीवी है या अपनी फैमिली भी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत फ़न है यहाँ पे। यहाँ पे खाना खाने के बाद दोस्तों आगे ही आप एक गेम जोन है जहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकते हैं अगर फैमिली के साथ आए हैं तो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये रेस्टोरेंट का रिव्यू पसंद आया होगा, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, वन टाइम तो जाना ही चाहिए और पिज़्ज़ा खाना ही चाहिए। मॉकटेल वगैरह की भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और पहली बार हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।